मेरा जो चैनल है वो यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया दोस्तों। और यार जो रीजन दिया ना, रीजन भी ऐसा है गाइस। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। बट गाइस, मैं बढ़िया बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि गाइस यार आपको मेरे चेहरे से देख के लग रहा होगा यार आज मैं काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहा हूँ। तो यार बात ही कुछ ऐसी है। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि यार मेरा एक दूसरा चैनल भी है सुमित के नरवाल के नाम से, और वो मोनेटाइज भी है यूट्यूब के ऊपर। बट गाइज, पता नहीं क्या हो गया है उसके ऊपर। आज मुझे एक मेल रिसीव हुआ, आप मेल आपको मैं दिखा दूंगा, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा दोस्तों, कि यार मेरा जो चैनल है वो यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया दोस्तों। और यार जो रीज़न दिया ना, रीज़न भी ऐसा है गाइज, रीयूज कंटेंट। गाइज आप जाके मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारा का सारा जो भी कंटेंट है गाइज मैं खुद से बनाता हूँ, खुद से क्रिएट करता हूँ। तो उसमें रीयूज कंटेंट आखिर आ कहाँ से गया? तो गाइज आजकल यूट्यूब पे काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि यार यूट्यूब पता नहीं कब आपका चैनल उड़ा देगा, कब आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, कब आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी, कब क्या हो जाएगा गाइज आपको खुद भी ये बात नहीं पता। तो गाइज पता नहीं अब क्या होगा, मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। और गाइज एक तरीके से मेरा वो चैनल डेड ही हो चुका है, क्योंकि उस पर व्यूज़ वगैरह ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कई बार उस पर चैनल वगैरह की कैटेगरी चेंज कर ली थी, जो कि गाइज एक नया बंदा होता है उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है यूट्यूब के बारे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सारी गलतियाँ मैंने करी, और गाइज अब मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है यूट्यूब की, तो अब मुझे पता लग चुका है कि हमें यूट्यूब पर कैसे काम करना है। तो गाइज पता नहीं यार, अब तो मेरा चैनल वो बर्बाद हो चुका है, डेड हो चुका है। अब वो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है दोस्तों। बाकी क्या बताऊँ दोस्तों, मेरे पास यार बोलने को कुछ है ही नहीं, बाकी ही नहीं बचा कुछ यार। पता नहीं आजकल YouTube इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है कि मतलब कुछ भी नहीं कह सकते यार, आप कुछ भी नहीं कह सकते कि यार क्या होगा कल क्या नहीं होगा। तो गाइज़ देखते हैं, अब मैंने बाकी अपील वगैरह तो कर दी है, देखते हैं चैनल दोबारा से मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। अगर होता अच्छी बात है, नहीं होता तो गाइज कोई बात नहीं है। हमने जो भी एक्सपीरियंस यूट्यूब से गेन किया था, हम एक नया चैनल स्टार्ट करेंगे और उसको ग्रो करके दिखाएंगे दोस्तों। हिम्मत नहीं हारने वाला दोस्तों मैं, आप लोग ये मत सोचना कि यार सब ख़त्म हो गया, हिम्मत नहीं हारनी दोस्तों। चैनल दोबारा से बनाएंगे, नया चैनल बनाएंगे, ग्रो करेंगे। सोच लेंगे कि यार जो टाइम हमने अभी चैनल को ग्रो करने में बिताया वो एक तरीके से हमारी लर्निंग थी, वो हमने कुछ सीखा, तो यार उन्हीं सबको यूज़ करके जो नया चैनल स्टार्ट करूँगा तो गाइज उसमें मैं अपना जी जान सब कुछ झोंक दूंगा। और गाइज आप लोगों का प्यार और साथ रहेगा ना तो गाइज कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप लोगों का चाहिए गाइज। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, थोड़ा यार नेचर के पास आया होता शांति में, क्योंकि यार जब भी मेरा मन उदास होता ना तो गाइज मुझे ऐसी शांत जगह पर जाना पसंद, जहाँ पर मैं आराम से जाके बैठूँ, थोड़ा नेचर को फील करूँ, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो मेरा। अदरवाइज गाइज इतना ज़्यादा टेंशन और वो सब चीज़ें ना तो दिमाग फट जाएगा एक दिन, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ दोस्तों। यार अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो सिर्फ हमें वेट करना है, वेट करते हैं यार, होपफुली एक या दो दिन के अंदर हमें रिप्लाई मिल जाएगा यूट्यूब से। तो गाइज देखेंगे अभी क्या करना आगे, तो घबराने से तो कुछ होने वाला है नहीं दोस्तों। बाकी यार आप मेरे पीछे देख सकते हो गाइज कितनी ही ज़्यादा बढ़िया ब्यूटी है और कितना सारा बढ़िया मौसम हो रखा है। हल्की हल्की धूप है, गर्मी नहीं है, एक दो दिन से बारिश हो रही थी तो मौसम भी ठीक ठाक है, ठंडी ठंडा सा फील हो रहा है, इतनी गर्मी ज़्यादा फील नहीं हो रही है। बाकी यार थोड़ा सा ना नेचर के पास आके अच्छा ही लगता है दोस्तों, बुरा तो लगता नहीं है। क्या नज़ारा है दोस्तों, और ये यहाँ पे एक ट्यूबवेल वगैरह भी है तो इसमें पानी भर के गर्मियों में आप आराम से नहा भी सकते हो दोस्तों। और ये इस तरीके का आप देखो यार, अब इसमें पता नहीं क्या उगा रखा है, पता नहीं कुछ लगा भी नहीं हुआ, तो जो इस खेत का किसान है उसी को पता होगा इसमें क्या उसने उगा रखा है। आज की वीडियो में इतने ही मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि यार क्या कुछ हुआ और मैं क्यों इतना उदास फील कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट है तो वो सब मिलेगा, तो गाइज आप जाके मुझे जरूर थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट जरूर देना दोस्तों।